जाओगी? बाहर लेकर जाओगी? अनिरुद्ध की तबीयत खराब हुई है, उसे हार्ट स्ट्रोक आया है, उसके हार्ट में कुछ ब्लॉकेज है और उसकी ये हालत देख के झनक का जो प्यार है वो उमर पड़ा, एकदम सैलाब की तरह आया है। और फिर मैं पहली बार मिला अनिरुद्ध के परिवार वालों से और मैं देख के बहुत शॉक्ड रह गया कि उसके परिवार वाले अलग ही तरह के लोग हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हॉस्पिटल अथॉरिटीज को बोल के से धक्के मार के बाहर निकलवाता हूँ। इसकी वजह से हॉस्पिटल में कुछ लोगों को मतलब अपने बेटे की नहीं पड़ी है, तो मुझे शॉक्ड हुआ कि मैं बाहर वाला हूँ, अनिरुद्ध को मैं पर्सनली पसंद नहीं करता हूँ, उसके बावजूद भी उसकी हालत देख के मैं उसके साथ में खड़ा हूँ, उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो और ना ही कोई रिश्तेदार, तो प्लीज बीच में मत बोलो। बोलूंगा जो सही है उसका साथ जरूर दूंगा। लेकिन उसके परिवार वाले बहुत सारा ड्रामा कर रहे थे, तो ये मुझे देखकर बड़ा अजीब सा लगा। फिर उतने में झनक भी आती है, जैसे अनिरुद्ध झनक के लिए मंदिर जाके पूजा करके फूल लेकर आया था, ठीक उसी तरह से झनक भी लेकर आई एक फूल। अपनी हाथ मत भूलिए शुभांकर बोस, हर बार करने की जरूरत नहीं है। और आप पुलिस को बुलाने की बात कर रही थी ना, बेशक बुलाइए। आप लोगों को क्या लगता है कि पुलिस सिर्फ आपकी सुनेगी? देखिए, जनक सिर्फ इतना चाहती है कि वो पूजा का फूल जो लेकर आई है उसे अनिरुद्ध के माथे पर टच करा दे। उसे मत रोको, उसे जाने जाओ। जनक शिफ्ट पीछे नरेश, नहीं ये लड़की नहीं जाएगी। लेकिन सारे परिवार वाले जनक को रोकते हैं। फिर मुझे लगता है कि जनक के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, थोड़ा बहुत मुझे पहले भी पता था, फाइनली अपनी आंखों से देखा तो फिर मुझसे रुका नहीं गया और फिर मैंने स्टैंड लिया कि जनक के साथ आप गलत कर रहे हैं, आप जनक को जाने दो, इस तरह का कुछ सीन था। हाँ, ऑडियंस को एक्सपेक्टेड इसलिए नहीं था क्योंकि आदित्य प्यार तो करता है झनक से, लेकिन उसको कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ है कि झनक और अनिरुद्ध का जो प्यार है ना, वो बहुत ही रूहानी किस्म का है। नहीं जाओगी? तो उसे वो देखकर समझ में आ रहा है कि उन दोनों के आपस का कनेक्शन कैसा है। यहाँ पर ये बात नहीं है कि उसे अनिरुद्ध का सपोर्ट करना है, किसका सपोर्ट करना है, उसको ऐसा लगता है कि जो यहाँ पर हो रहा है झनक के साथ वो गलत है और उसे झनक का साथ देना है। और आदित्य शुरुआत से ही ऐसा रहा है कि वो सही को सही बोलता है और गलत को गलत बोलता है।